हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। हम तो कैपेसिटर में लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं। दो चीजें बाकी हैं, कॉम्बिनेशन और डाइलेक्ट्रिक, और बाकी तो एक करंट और उसका रेजिस्टेंस को कैपेसिटर को मिलके हम लोग बात करते हैं, जो आरसी सर्किट जिसे बोलते हैं। तो वो तो लास्ट का टॉपिक है, बाकी सब नहीं चल रहा क्या? लाइट चला गया तो देखते हैं। और हम लोगों का आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, लेकिन उनको उसको जानना बहुत जरूरी है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस, ओके ओके। सो हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो इससे पहले हर एक प्रिंस राय आईआईटी क्वेश्चन है, कोचिंग कब से खुल रहा है? सभी लोगों को बता दें कि मंडे को कोचिंग आप लोगों को खुल रहा है और आप लोगों को आना है ना। ट्वेल्थ वालों का खुल रहा है, तो जितना भी जो भी जिनके लिए भी पॉसिबल वो लोग आए, ट्राई करें कि आप लोग आइए। एनीवे, कॉम्बिनेशन किसी भी टॉपिक का एक अपना सेंस होता है, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अपने लॉज होते हैं, कुछ चीजें फंडामेंटल होती हैं उसकी, जो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, ऑनलाइन भी चलता रहेगा। हाँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो रीजन से पढ़ने जा रहे हैं। पहला रीजन तो ये है कि जब आपके पास कैपेसिटर कम वैल्यू के हो, ज्यादा वैल्यू के हो, और आपको कुछ और चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास काफी ज्यादा संख्या में 6 माइक्रोफराड के कैपेसिटर हैं, और आप चाहते हैं कि आपको जरूरत 30 की है, लेकिन आपके पास 6 ही है लेकिन कई संख्या में है, 30 है ही नहीं, है ना। तो आपको 30 की जरूरत है, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक तो ये है, और दूसरा रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा है? रिक्वायर्ड या नीडेड, जो आपको नीड है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो पूरा नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। हो सकता है कम की जरूरत हो, तो देखेंगे हम लोग कि कम की जरूरत हो तो सीरीज में जोड़ के कम कर लेंगे, ज्यादा की जरूरत हो तो पैरेलल में जोड़ के ज्यादा कर लेंगे, या स्पेसिफिक किसी चीज की जरूरत हो तो पैरेलल सीरीज सब मिला के कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बना लेंगे जिससे हम उसके लिए स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्शन हाउस को, किसी कंपनी को, किसी मशीन को कहीं पे ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके लिए अलग से पूरा सेटअप की जरूरत पड़े, बल्कि 2-4 कैपेसिटर 6 माइक्रोफराड से ही काम चला लेंगे। क्लियर? एक तो ये पॉइंट है। देखो, सीरीज पैरेलल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना, क्वेश्चन कर लेना और ITPMT में चले जाना, अलग बात। और रियली में वो मीन क्या करता है, रियली में उसका उसको यूज कहां करते हैं, रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये अलग बात, जिसे साइंस बोलते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी के नाम पे हम लोग साइंस को फंडामेंटल तौर पे यूज करके हम लोग कुछ और करते हैं। तो मैं अक्सर इसकी बात करता रहता हूं, जो कि जरूरी है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं केवल आपको सीरीज और पैरेलल पढ़ा दूं, आपको करने भी आ जाए, आप एग्जाम में अच्छा भी कर लें और सेलेक्ट भी हो जाए। मैं कभी भी इसके फेवर में, केवल इसी के फेवर में नहीं रहता। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्यों, आप लोग को आइडिया लग गया, चाहे वो कैपेसिटर्स हो, चाहे रेजिस्टर्स हो, चाहे इंडक्टर्स हो, हमारे हम लोग सीरीज पैरेलल इसलिए पढ़ते हैं दो रीजन से। एक रीजन मैं आपको बता दिया कि जो रिक्वायर्ड है,
जैसे मान लीजिए हमें 3.5 माइक्रो फराड की जरूरत है कहीं पे, तो क्या 3.5 के लिए अलग से अब मशीन सेटअप और प्रोडक्शन हाउस बनाया जाए? नहीं, बल्कि काफी ज्यादा संख्या में एक दो कैपेसिटर बने और उसको हम लोग अपना यूज कर लें, जहां पे जरूरत पड़े उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बना के यूज कर लें। और दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ये है कि जब हम लोग किसी मशीन में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई चीज प्रोग्राम चाहते हैं, बनाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्पज होता है, तो अलग अलग इस बैटरी से इस मशीन में ये भी चाहिए, इस बैटरी से इस मशीन में ये चीजें तो ये भी चाहिए, ये मशीन में इस चीज में हमें रेडियो चाहिए। एग्जांपल लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें रेडियो भी चाहिए, इसमें कैमरा भी चाहिए, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए, इसमें वीडियो, इसमें ये, उसमें वो, इसमें म्यूजिक सिस्टम चाहिए, इसमें गिटार, ड्रम, ये सब बहुत सारी चीजें चाहिए। आप रेडियो में गाना भी सुनना चाहते हैं, आप फोन भी करना चाहते हैं, आप चैटिंग करना चाहते हैं, इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम मान लीजिए आप अपना बनाए, उसके लिए आपको कैपेसिटर कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट में दिक्कत है, कहीं फैन चाहिए, एसी चाहिए उसी में, तो आपको कहीं कहीं कैपेसिटर ऐसे जोड़ने के लिए अलग से सिस्टम बनाया, उसी के बैटरी उसी पावर जनरेशन के थ्रू कुछ और भी किए। मशीन तो बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे करने में। लास्ट में फिर हम देखते हैं कि क्या ये जो बहुत सारा सर्किट बना हुआ है, औजार लौजार टाइप का, गांव में लौजार बोलते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें यदि बहुत सारे पैरेलल हैं या सीरीज में हैं, तो भाई जब दिख रहा है तो उनको रिड्यूस कर लेते हैं, मशीन थोड़ी छोटी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, काम हो जाएगा, क्योंकि उसी रजिस्टर के थ्रू कहीं और भी दिख रहा है, उसी रजिस्टर के थ्रू कुछ और भी दिख रहा है, तो भाई दो क्यों लगाए? अब तो पहले दो लगाए थे अलग अलग प्रोग्राम के लिए, अब एक लगा लेते हैं वहां पर, है ना। तो ऐसे जब किया गया तो इसका रिजल्ट आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े रूम में, एक लैब, एक बड़ा सा रूम था, उसमें वायर, रेजिस्टर, इंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड और ट्रायोड और पता नहीं क्या क्या सब लगे हुए थे, हैं, कैपेसिटर्स। और जब इस तरह का रिडक्शन हुआ तो वो धीरे धीरे कम होके छोटे रूम में आया, पूरा वायर, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सब थे। जब उसे और रिड्यूस किए और एक एक से ही कई काम किए, है ना, लॉजिक गेट लगा के ये वाला हो जाए तो ये सर्किट जाए, तो ये फ्रीक्वेंसी जाए, तो ऐसा हो जाए, तो वैसा हो जाए, तो और कम हुआ तो मॉनिटर में कन्वर्ट हुआ, जो आप लोग कंप्यूटर देखते हैं, जो मेरे सामने कैमरा थोड़ा हिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि मेरे सामने पूरा सेटअप है कंप्यूटर और उसका जो भी चीजें हैं, यूपीएस, सीपीयू, जो भी है मॉनिटर सब, बगल में ये है लैपटॉप है जिसमें मैं आप लोगों का चैटिंग देखता हूँ, और ये मेरा एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की सारी किताबें भरी हुई हैं जो मेरा इंटरेस्ट है, और फिजिक्स की ऑलमोस्ट सारी किताबें हैं, बाकी नॉवेल, पोएट्री और सब की तो है ही, तो ये पूरा भरा हुआ लाइब्रेरी को ही मैं स्टूडियो बना के मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो मॉनिटर में कन्वर्ट हुआ वो कंप्यूटर, और फिर उसके बाद और उसको रिड्यूस किए चीजों से, और एक से काम चलाते रहे और उसको छोटा रिड्यूस करते रहे छोटे काम पे, तो वो लैपटॉप में कन्वर्ट हुआ, और फिर और उसको रिड्यूस किए हम लोग और छोटा किए तो टैबलेट में कन्वर्ट हुआ, है ना, पाम टॉप में कन्वर्ट हुआ, उसके और छोटा करेंगे और माइक्रो स्केल पे करेंगे तो चिप टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद और छोटा करें तो बटन टॉप हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे में, और पता नहीं और हो सकता है छोटा करें, इसी तरीके से देख ही रहे होंगे कि चीजें और छोटी होती चली गई, मोबाइल कभी हथौड़ा की तरह लंबा सा था, धीरे 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 छोटे मोबाइल हो गए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि माइक्रो टॉप हो जाए और पॉइंट टॉप हो जाए, है ना, और हो सकता है आने वाले दिनों में इनविजिबल हो जाए, मे बी। हाँ ठीक है, आना तुम लोग आना तो देखना ना, यदि देखना चाहते हो तो मेरा रूम। सो
ये लेवल है। और एक चीज और ध्यान दिए होंगे, साइज में, कॉम्पैक्टनेस में रिडक्शन इक्विवेलेंस होता रहा गेट्स लगा के। इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, जो 1990s और 2000 के अराउंड आने लगा था, दस्तक दे रहा था उस समय, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति है ना। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मोबाइल छोटा होता गया और उसकी वो ज्यादा इफिशियंट होता गया और ज्यादा चीजें आती गई। मोबाइल में जो हम लोग के पास कंप्यूटर, रेडियो, कैमरा, नोट पैड, रजिस्टर, घड़ी, वॉच, ऐसे दुनिया की ऐसी क्या चीज है, किताबें, बुक्स, मतलब उस मोबाइल में अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आ चुका है। आपके टीचर्स आपके मोबाइल में पहुंच चुके हैं। सो सरप्राइजिंग, इसने ऐसा काम किया। हाँ तो आओ सभी लोग, प्रदीप चलो कभी आओ तुम लोग, तो मैं दिखाता हूं मेरा लाइब्रेरी और ये सब। तो क्या ये मतलब समझ में आया कि क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एक तो हम लोग किसी सर्किट को रिड्यूस करके उसकी जगह एक यूज करना चाहते हैं जिसे इक्विवेलेंट बोलते हैं, है ना। और दूसरा, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट किसी और वैल्यू की जरूरत होती है पर उसका एग्जैक्ट नहीं होता, हमारे पास एम्पल अमाउंट में बहुत सारे लार्ज नंबर में एक पर्टिकुलर वैल्यू के कैपेसिटर्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें 6 चाहिए पर हमारे पास एक ही है, एक एक माइक्रोफैराड के हैं, खूब ज्यादा संख्या में है एक एक माइक्रोफैराड के, लेकिन हमें 6 चाहिए। तो अब 6 है ही नहीं, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये दो रीजंस हैं जिसके लिए हम लोग ये कब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग हमें पता है कि आप लोगों को इक्विवेलेंट आता है, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम रहा होगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो दो तरीके से हम लोग इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, जो मेनली टू टाइप्स, बाकी तो हम लोग और भी देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये कितने तरह के होते हैं यार, टू टाइप्स के। पहला, जो पहला है, जो पहला हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग सीरीज और पैरेलल को पढ़ें, बहुत ज्यादा जरूरी है कि निकालेंगे कैसे इक्विवेलेंट, चाहे इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी तो कंबाइंड कैसे करेंगे जिससे वो इक्विवेलेंट पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट है जो मिल जाएगा वो जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये दो ठो लिख लो जिसमें से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट किसे कहते हैं वो समझो ना, ये दोनों लिख लो, उसके बाद सीरीज पढ़ेंगे फिर पैरेलल पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ये है कि यदि कहीं सर्किट है ना, ये सर्किट है ऐसे, मान लो ऐसे सर्किट है ना, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, समझने की कोशिश करो ध्यान से। ए और बी काफी ज्यादा ये सर्किट है, अजीब अजीब सा प्रोग्राम के लिए जरूरत है, पता नहीं कौन सीरीज में है, पैरेलल में है कि दोनों में कोई भी नहीं है। होता क्या है कि हम लोगों का इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, पहले तो इक्विवेलेंट का मतलब समझो, चाहे वो रेजिस्टेंस करंट में इक्विवेलेंट हो, चाहे कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट हो, चाहे इंडक्टर्स में इक्विवेलेंट हो, चाहे कहीं पे भी इक्विवेलेंट हो। आप एनोलॉजी समझिए, एनोलॉजी, सिमिलरिटी। सो वो समझने की कोशिश करिए। सर्किट में इक्विवेलेंट का वही मतलब होता है जो डायनामिक्स में जो क्वांटिटीज हैं एवरेज की मतलब होता है, ठीक है।
चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज पावर हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, एवरेज करंट हो, एवरेज कुछ भी हो, वहां पर जो एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, है ना, नंबर में भी आता है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हो, ऐसे। सो एवरेज जो कहीं पे एवरेज की बात होती है डायनामिक्स में, उसका मतलब होता है थ्रू आउट द इंटरवल हम कांस्टेंट माने, जबकि कांस्टेंट नहीं था, मतलब उसकी जगह कांस्टेंट यूज करें तो क्या यूज करें ताकि वो जो वेरिएबल वाली चीजें हो के जो हो गई थी वही हो। फिर से कहीं पे एसी करंट में करंट कम ज्यादा हो रहा होगा, चाहे कहीं पे पावर कम ज्यादा हो रहा होगा, फोर्स कम ज्यादा लग रहा होगा, चाहे एक्सेलरेशन कम ज्यादा होगा, कुछ भी, पर कम ज्यादा न माना जाए, उसकी जगह क्या माना जाए, एक कांस्टेंट वैल्यू माना जाए और उतने ही देर में वो काम हो जाए। तो जो वहां पर सेंस है एवरेज का, वही सेंस यहां पर है कि इस पूरे सर्किट को हटाइए, यहां पे तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन सर्किट को हटाइए और उसकी जगह कितना लगाइए, एक लगाइए, और काम पूरा वही हो जो इस सर्किट से, कॉम्प्लेक्स सर्किट से हो रहा था। तो यहां पे भी एक लगाइए, वहां पे भी एक ही रखिए वैल्यू, एक्सेलरेशन की, पावर की, फोर्स की, करंट की, इंड्यूस ईएमएफ की, पोटेंशियल की, वेलोसिटी की, एनीथिंग, और काम हो उतने ही इंटरवल में, यही सेंस है। तो डायनामिक्स में जो नाम उसका एवरेज है, वही सर्किट में उसका नाम इक्विवेलेंट है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, इसका मतलब साफ है, किसी के क्रॉस एवरेज लगा, एवरेज सॉरी इक्विवेलेंट निकालने का मतलब हुआ सीधा सा, क्या करेंगे, एक ही तरीका है इसका निकालने का, मतलब है हम लगाएंगे एक बैटरी और कहेंगे वी है ना, और चार्ज ट्रांसफर हुआ क्यू इस सर्किट के लिए, तो सीधा सा क्यू थ्रू बैटरी बराबर सीवी, सी वी क्यू थ्रू बैटरी। सो व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, दैट इज व्हाट, क्यू थ्रू क्यू क्रॉस थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाय वी वी बैटरी, हियर क्यू बाय वी सिंपली यही है। इसका मतलब वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे उन दोनों में से कुछ भी ना हो, फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल इक्वेशन तब भी यही था, पहले भी, अभी भी वही है, और एक यूज करने के लिए क्यू थ्रू बैटरी बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट टू यूज एज अ सिंगल कैपेसिटर, दिस इज नोन एज व्हाट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? सो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इसकी जगह, इस सर्किट की जगह हम एक कैपेसिटर लगाएं और यही बैटरी लगाएं, इसकी जगह एक कैपेसिटर लगाएं और यही बैटरी लगाएं, तो इतना ही चार्ज ट्रांसफर हो, इतना ही वर्क डन बाय बैटरी हो, इतना ही जाके चार्ज इकट्ठा हो, इतना ही एनर्जी स्टोर हो, इतना ही लॉस हो, एवरीथिंग इज सेम। यदि ऐसा है तो ठीक है, तब इसकी जगह एक ठो लगाएंगे। यदि आप लोग समझ गए इक्विवेलेंट का मतलब, ठीक है, तब खत्म हो गया, बस इतना ही जानना था। अब हम लोग को जानना है फार्मूला सीरीज का, पैरेलल का, कॉम्बिनेशन का, और इनमें से कोई नहीं का भी, क्योंकि करना तो यही है। तो अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ये बहुत जरूरी है। तो क्या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन गई इस यूनिट की, इस पार्ट की, सेक्शन की, ये जो कैपेसिटर का जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सेक्शन है। और एक और चीज आप लोगों को याद होगा, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि कैपेसिटर में ये होता है, इसकी जगह रजिस्टर हो, इसकी जगह इंडक्टर हो,
तब भी यही बात होती है कि क्या किया जाए कि इस तरह की बात हो। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, आप लोगों को पता है कि हमें करना क्या है, पता चल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए करना क्या होगा, करना क्या हुआ वो हम लोगों को पता चल चुका है। सो हम लोग पहला वाला पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम पे हम लोग देखते हैं। वायर देखिए आप लोग, हाँ, दिस इज सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, और ये मान के चलिए कि बैटरी हम अभी जोड़े हैं ना, बैटरी जस्ट हम अभी जोड़े हैं, तो जोड़े होंगे, जस्ट जोड़े हैं, पहले इस पे चार्ज नहीं था, बैटरी जस्ट जोड़े हैं, तो जैसे ही बैटरी जोड़े होंगे तो यहां से चार्ज बैटरी ट्रांसफर किया होगा। बैटरी ना चार्ज क्रिएट करता है ना चार्ज डिस्ट्रॉय करता है, ये केवल चार्ज का ट्रांसफर करता है। टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो यहां से चार्ज उठाया होगा और यहां पे भेज दिया होगा, बस इतना ही काम किया होगा। और यदि यहाँ पे भेजा होगा Q, यहाँ पे मानना भी पड़ेगा, और ये हम लोगों के पूरे थॉट आइडिया में है कि किसी तरीके से हम लोगों को ये निकालना है ना, यही वाला Q बैटरी वाला और यही वाला V इक्वेशन से निकाल लेंगे, जिसे हम लोग C इक्विवेलेंट कहेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो ये Q जरा देखो, तो ये Q गया होगा यहां पे, तो यहां यहीं पे जाके इकट्ठा हुआ होगा, मजबूरी है। और जरा ये देखो, तो सभी लोग ध्यान से देखो ना, सभी लोग देखो, ये देखो, ये है आइसोलेटेड सिस्टम और ये भी है आइसोलेटेड सिस्टम। फोकस करो मेरी बातों पे, ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब समझ रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, अच्छा हाँ, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये दोनों प्लेट और वायर ऐसे मिलके आइसोलेटेड मतलब न इस पे कहीं से चार्ज आ सकता है न कहीं जा सकता है, यही आइसोलेटेड होता है ना, आइसोलेट है बाकी सराउंडिंग से। इसका मतलब इस पे यदि माइनस आया है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जरूर यहां पे प्लस आया होगा, यहां पे प्लस आया होगा, यदि यहां पे प्लस आया होगा तो जरूर यहां पे माइनस आया होगा यहां पे, और जरूर यहां पे माइनस आया होगा, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है कॉम्बिनेशन। ये देखो, ये जो दो प्लेट है इसका किसी से कनेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पहले था तो जीरो चार्ज होगा, यदि इंडक्शन से यहां माइनस है तो जरूर यहां पे प्लस है, और यहां पे तो माइनस वैसे भी होना चाहिए था क्योंकि यहीं से ला के ये भेजा था, इस प्लेट से उठा के, तो देखिए चार्ज भी ठीक लग रहा है ना। आप याद करिए जो कैपेसिटर पढ़े हैं, ये चार्ज अंदर में ही होता है, याद आ रहा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, अंदर में ही होता है चार्ज, अंदर में ही होता है, ये याद करो ये चार्ज अंदर में ही होता है, अंदर वाले सरफेस पे, याद करो ऐसे। ये भी एक पॉइंट है जो हम लोग को सुनना था, सोचना था। सो आइसोलेशन हम लोग को सीखना था, हम लोग को इंडक्शन सोचना था, यहां प्लस है तो इंडक्शन से इंड्यूस होके माइनस होता है, यहां पर इंडक्शन है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी से यहां प्लस होता है, फिर इंड्यूस होता है, फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से यहां प्लस होता है, और यहां पे तो माइनस देखिए अपने आप आ गया। अगला हम लोग को समझना था कि अंदर में फील्ड होता है, ये देखो अंदर में फील्ड है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं, याद करो,
एक अलग से कैपेसिटर का डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। अंदर में फील्ड है और फील्ड है तो फील्ड के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और फिर अभी भी वही फंडामेंटल इक्वेशन होल्ड कर रहा है, क्यू बराबर सीवी। और ध्यान देने वाली बात है, सीरीज में जो इंड्यूस चार्ज होते हैं अरेंजमेंट वो सेम होता है, क्यू क्यू क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान से, दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, है ना, जिसमें से इधर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब इससे ये V1 कम है और इससे ये V1 ज्यादा है, इससे ये V2 कम है और इससे ये V2 ज्यादा है, इससे V3 कम है और इससे V3 ज्यादा है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, ये जो बैटरी है V, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आप इसके पॉजिटिव निगेटिव का, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल आप नहीं बता सकते, है ना। इस पॉजिटिव निगेटिव का ये मतलब नहीं होता कि निगेटिव पोटेंशियल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉजिटिव निगेटिव का ये मतलब नहीं होता कि ये वाला जो छोटा वाला है जो ऐसे बना हुआ है, ये सब सिंबल है। निगेटिव का ये मतलब नहीं होता कि निगेटिव पोटेंशियल है, बस निगेटिव का ये मतलब होता है, पॉजिटिव निगेटिव का इसका मतलब ये है कि ये निगेटिव वाला कम पोटेंशियल पे है और पॉजिटिव वाला ज्यादा पोटेंशियल पे है। और कितने ज्यादा पर है? वी पर है। यदि मैं कहूं कि निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बताओ, तो इसका आंसर है मालूम नहीं है। मैं कहूंगा पॉजिटिव टर्मिनल का, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बताओ, तो इसका आंसर है मालूम नहीं है। मैं कहूंगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ और कौन ज्यादा है, तब आप कहेंगे मालूम है, वी है और प्लस वाला ज्यादा है। एक एक चीज क्लियर करो। और दूसरी बात, ना ही निगेटिव का पोटेंशियल मालूम है, ना ही पॉजिटिव का पोटेंशियल मालूम है, और ना ही किसी फेनोमेना के लिए, करंट के लिए, फील्ड के लिए, हीट के लिए, पावर के लिए, ना ही हमें उनको जानने की जरूरत है। क्योंकि जो भी फेनोमेना, जो भी प्रभाव इफेक्ट जो कुछ होता है प्रोसेस में, क्वांटिटी में जो चेंज होगा, वो पोटेंशियल की वैल्यू से नहीं, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है, ये ज्यादा जरूरी है। तो ना ही हम निगेटिव और पॉजिटिव के पोटेंशियल की वैल्यू जानते हैं और ना ही हमें जरूरत है, क्योंकि फेनोमेना में, करेंट में, चार्ज में, हीट लॉस में, स्टोर एनर्जी में जरूरत केवल भी की आएगी, जो डिफरेंस है कहीं और भी, फोर्स लगना चार्ज पर, फील्ड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पावर, वर्क डन, दिस दैट, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस होता है, ना कि पोटेंशियल का। एनीवे, तो ये चीज है और इसी यही रीजन है कि वी का इंपॉर्टेंस है और डिफरेंस की बात होती है। दूसरा एग्जांपल लें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि पोटेंशियल 10 वोल्ट की बैटरी है, नहीं आयुष शर्मा जानते नहीं है और ना ही निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, और क्योंकि बिना रेफरेंस के पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, तो रेफरेंस देना होगा, ठीक है। आयुष शर्मा ना ही जानते हैं ना ही निकाल सकते हैं, केवल तभी निकाला जा सकता है जब कोई रेफरेंस कहीं देगा, और यदि कोई रेफरेंस नहीं देगा या अपने से नहीं लोगे तो नहीं निकाल सकते, है ना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी
रिफरेंस बेस्ड होता है। चलिए चलिए अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। हां, माना कि यह 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि उसके दोनों टर्मिनल, जिसे हम लोग असाइन ऐसे ही करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जिसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होता, लोअर हायर से मतलब होता है बस। क्या मतलब होता है? लोअर हायर, पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल। दिस डजंट मीन दैट नेगेटिव इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, बस हायर पे है वो पॉजिटिव। तो 10 वोल्ट का ये मतलब है कि दोनों के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। इसका मतलब आप सुनो, दोनों को कैसे पॉजिटिव करता हूं, कैसे करता हूं सुनो। माना कि नेगेटिव वाला 10 वोल्ट पे है, तो क्योंकि पॉजिटिव वाला 10 वोल्ट ज्यादा है, तो ये 10 पे है तो ये 20 पे है, ये 50 पे है तो ये 60 पे है, ये 100 पे है तो 110 पे है, ये 5 पे है तो ये 15 पे है, ये 1 पे है तो ये 11 पे है, ये 0 पे है तो ये 10 पे है, ये -5 पे है तो ये +5 पे है, ये -10 पे है तो ये 0 पे है, और ये -30 पे है, -30 है तो ये -20 है। तो आप देखे कि दोनों नेगेटिव भी दिखा दिया, दोनों पॉजिटिव भी दिखा दिया, एक को 0 दिखा दिया, एक को नॉन 0 दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो क्या, तो बस इतना ही मतलब था, तो कुछ भी पॉसिबल था। बस ये है कि कोई हमको निगेटिव बता देगा तो हम 10 जोड़कर पॉजिटिव बताएंगे, और कोई हमको पॉजिटिव बता देगा तो 10 घटाकर हम निगेटिव वाला बता देंगे। यदि कोई पॉजिटिव कह देगा कि 17.5 है, तो मैं 10 घटा के निगेटिव बता दूंगा। कोई निगेटिव कह देगा कि निगेटिव का -50 है, तो 10 जोड़ के मैं पॉजिटिव बता दूंगा। ये बैटरी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन था आपके लिए, ओके। अब दूसरी बात, क्योंकि यहां पे चार्ज आना, एनर्जी स्टोर होना, हीट लॉस होना, कुछ भी होना, चार्ज ट्रांसफर होना, डिफरेंस पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम कुछ भी मान सकते हैं। और यदि कुछ भी मान सकते हैं तो क्यों ना अच्छा वाला माने, आसान वाला माने। तो इसको 10 मान के इसको 20 मानने के बजाय इसको 0 इसको 10 माना जाए। कई बच्चे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 0 मान लेता हूं, माना कि ये 0 पर है, ये निगेटिव वाला 0 पर है, तो ये 0, और देखो ध्यान दो, ये 0 तो हर कंडक्टिंग कंडक्टर कनेक्टेड विद वायर, हर जगह पोटेंशियल 0, 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, 0 0 0। ये प्लेट को मैं ऐसे कर दूंगा तो भी हर जगह 0 0 होगा। यदि प्लेट को मार के हथौड़ा से कूछ काट दूंगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो भी हर जगह पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर कनेक्टेड रहते हैं। तो सब जगह वो 5 पॉइंट याद करो, 5 पॉइंट, सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, ओके। अच्छा अच्छा, ये 0 पे है तो ये वी पर है, ये वी पर है तो ये वी पर है, ये वी पर है तो ये वी पर है, ये वी पर है तो ये वी पर है, सब वी पर है, और ये भी वी पर है, और ये भी वी पर है, सब वी पर है। तो ये प्लेट 0 पर है, ये प्लेट वी पर है। कई बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर इसको 0 इसको वी क्यों लिए हैं, आप इसको 0 इसको वी लीजिए, है ना। कहते हैं कि इसको 0 इसको वी क्यों लिए हैं, तो 0 लोगे तो वी प्लस करोगे तो वी होगा, यदि इसको 0 लोगे तो वी माइनस करोगे तो माइनस वी होगा, और वो भी सही है। प्लस को आप 0 पे ले लीजिए और नेगेटिव को माइनस वी पे ले लीजिए, सही है, सही है। एक ये पॉइंट है ना। तो चला जरा देखो, तो यदि ये V पर है, और आपको याद होगा ये V1 कम है, डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये V पर है तो बताओ ये कितने पर है, जल्दी बताओ सभी लोग हमको बताओ, यदि ये V पर है, ये V पर है तो बताओ ये कितने पोटेंशियल पर है। तो V से V1 कम हो जाएगा,
सो वी माइनस वी वन पे है, देखो। अच्छा ये वी माइनस वी वन पे है तो ये भी वी माइनस वी वन, 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 दिस इज वी माइनस वी वन। सारा कनेक्टेड कंडक्टर्स का सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, मस्ट है, मस्ट है। यदि ये v माइनस वी वन पे है तो ये v2 कम है, तो जल्दी बताओ ये कितने पर है, जल्दी से। ये तो v माइनस वी वन पे था तो ये v2 कम है, मतलब v माइनस वी वन में v2 कम है। v माइनस वी वन माइनस वी टू, 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 v माइनस वी वन माइनस वी टू। अब आपको पता है ये सब सेम पोटेंशियल पे है, वी माइनस वी वन माइनस वी टू। ये वी थ्री कम है तो बताओ ये पोटेंशियल कितना है, जल्दी से बताओ। इसको क्या लिखो पोटेंशियल, वी माइनस वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री, जिसको हम लोग जानते हैं कि जीरो है ऑलरेडी, क्योंकि यहां से हमें पता था। देखिए क्वेश्चन मिला v माइनस वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री जो कि जीरो है, जो कि जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि v बराबर v माइनस वी वन वी टू प्लस वी थ्री। तो ये हम लोग यहां से एक आया, और यही नहीं वैसे हम लोग उल्टा सोचते तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है ना। ऐसे यदि ये जीरो है तो फील्ड की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है और फील्ड के उल्टा पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो यदि ये जीरो है, यदि ये जीरो है तो बताओ इधर ये कितने पे है, जल्दी बताओ। यदि ये जीरो है, वी थ्री याद रखना, यदि ये जीरो है तो इधर ये कितने पे है बताओ। वी थ्री इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी बताओ सभी लोग। यदि ये जीरो पे है तो ये वी थ्री पे है, ये वी थ्री पे है तो वी थ्री 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 ये भी वी थ्री पे है, ये वी थ्री पे है तो ये वी टू ज्यादा है, देखो फील्ड का उल्टा। तो ये कितने पे है, वी थ्री प्लस वी टू पर है, वी थ्री प्लस वी टू, 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 दिस वी थ्री प्लस वी टू, ये कितने पर है बताओ। v3 प्लस v2 प्लस v1 है तो दिस इज v3 प्लस v2 प्लस v1, और जो कि पहले से जानते हैं कि कितना है, अभी भी सही है, अभी भी सही है। तो आप इधर से गए तो और अच्छा लगा होगा, और दोनों से सेम ही बात आएगी, ये ज्यादा जरूरी है जानना। केवल केवल फार्मूला जो तुम जानते हो उतना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे, और हां फिर से आपको याद दिला दूं, अच्छा लगेगा। यहां पर फील्ड है ना, यहां पर फील्ड जीरो है, यहां पर फील्ड जीरो है, यहां पर फील्ड जीरो है, और यहां पर फील्ड जीरो है। फील्ड इन्हीं के बीच में ट्रैप है, और जहां फील्ड है वहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां जीरो होता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस नहीं होता। और दूसरा, फिर से फंडामेंटल इक्वेशन याद करो, q बराबर सी वी यहां भी होल्ड करेगा, q बराबर सी वी यहां भी होल्ड करेगा, q बराबर सी वी यहां भी होल्ड करेगा, और q बराबर सी वी इक्विवेलेंट के लिए तो आप जानते ही हैं पहले से ही। बोलो अब हमको ये बताओ, क्या हम लोग यहां पर लिखें q बराबर सी वी, बोलो। आप आज्ञा दे, इजाजत दे तो मैं लिखूं। ये देखिए q बराबर c1 v1, q बराबर c1 v1, q बराबर c2 v2, और q बराबर c3 v3। तो मैं तो यहां पे सर्किट में ही सब लिख रहा हूं, आप लोग बोर्ड के एग्जाम में चाहे कहीं पर रिप्रेजेंटेशन में आप लोग यहां लिखिएगा। मैं तो मेरा फोटो थोड़ा ठीक होता है तो मैं उसमें ज्यादा आप लोगों को ज्यादा समझा पाता हूं, आपका मन करता है तो आप यहां पे लिखिए। आप हमको बताओ ये समझ में आया, q है इसका कैपेसिटर का रिलेशन, चार्ज q है, c1 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, v1 पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, और मैं कुछ नया नहीं किया हूं,
मैं कुछ नया नहीं किया हूं, क्या यहां पे रख ले, क्या Q ये वाला रख ले, बैटरी वाला Q बाई सी, सॉरी व्हाट इज V, यहां पे देखो व्हाट इज V, V बराबर Q बाई सी इक्विवेलेंट, सो Q बाई सी इक्विवेलेंट। हाँ देखो भाई, अब सीधा आंसर रिजल्ट आने वाला है V, ये इसके लिए यहां पे ये इक्वेशन अलग और ये इक्वेशन अलग, ये इसमें तीन इसमें एक, हर जगह में ही बात बनेंगे, ये वाला इक्विवेलेंट के लिए है यहां पर जो फोटो बना है, और ये जो सर्किट बना है उसका अपना अपना सब रिलेशन है। सो दिस व्हाट फॉर व्हाट टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, एंड दिस इज फॉर व्हाट, व्हाट इज वी वन क्यू बाई सी वन, व्हाट इज वी टू क्यू बाई सी टू, व्हाट इज वी थ्री क्यू बाई सी थ्री, क्यू कैंसिल फॉर्मूला आ गया, क्यू कैंसिल फॉर्मूला आ गया। तो जल्दी से आप लोग इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं। और एक और चीज बताऊं, जब यहां पे कोई पूछेगा ना, मान लो इसका एरिया दे दे या सिग्मा दे दे, सी दे दे, कोई चार्ज और सब दे दे, और कह दे कि यहां से बीच में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, प्रोटॉन छोड़ा गया, फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, यहां पे कोई प्लस चार्ज छोड़ दिया गया प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल तो कितने स्पीड से टकराया। अब तुम सोचते होगे कि इक्विवेलेंट ही बस इस चैप्टर का होता है, पैरेलल सीरीज, और पैरेलल सीरीज पूछ ही नहीं रहा है, करे सर्किट हम दे रहे हैं बीच वाले कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज के पास में प्रोटॉन को छोड़ा गया जिसका मास एम है, चार्ज ई है और डिस्टेंस डी है, चाहे कुछ है, बताइए कितने स्पीड से निगेटिव को स्ट्राइक किया। अब लोगों के दिमाग में क्या आता है जानते हो, शुरुआत मेरा 8 क्लास 7 क्लास क्यों लगा था, इसीलिए लगा था कि ताकि तुम्हें जब कोई पूछेगा बीच में कि इस कैपेसिटर में चार्ज छोड़ा गया तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पावर डिलीवर्ड कितना था, कितना स्पीड से टकराया, कितना एक्सेलरेशन था, कितने देर में पहुंचा है, 9वीं क्लास का इक्वेशन लगेगा ई निकाल कर, क्यू ई करोगे तो फोर्स आएगा, मास का डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि ई कांस्टेंट है, और 9वीं क्लास का 3 इक्वेशन लगेगा जो तुम ऑलरेडी जानते हो, वी बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हमें कूल रहना है, कुछ भी पूछे वो हमें कूल रहना है, घबराना नहीं है और उसे डील करना है। जब कोई पार्टिकल चल रहा होगा, भाग रहा होगा, तो भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही तो लगाओगे, और क्या लगा लोगे तुम, ये जरूरी है। लास्ट अनुदीप चौहान, कौन सा लास्ट स्टेप, ये वाला कौन सा, हमें नहीं समझ में आया अनुदीप। मैं ये कह रहा था कि यहां से इस बैटरी की जगह से हम लोग इक्विवेलेंट सोचते हैं, और सर्किट में जितने एलिमेंट होते हैं उसकी जगह हम लोग पूरा इक्वेशन लिख के और रिलेशन में फिट करते हैं। तो ये जो रिलेशन आया था इसी में V की जगह रखा हूं बैटरी वाले से, जिसे C इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। तो V क्या होगा, Q बाई सी इक्विवेलेंट होगा ये वाला, और बाकी ये रिलेशन आपको याद है ना, क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी से मैं वी वन वी टू वी थ्री हटाया हूं। ये लास्ट स्टेप यही है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, और मैं मान चल रहा हूं कि कहीं पे रिफिल्ड आएगा, कहीं पे कुछ आएगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आप उसमें रखे हुए चार्ज का एक्सेलरेशन बता देंगे, लगा हुआ फोर्स बता देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे, स्पीड बता देंगे, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट बता देंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, और याद करो कि किस तरीके से अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा हुआ है पीछे पीछे। कैपेसिटर का फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपेसिटर चैप्टर का ये मतलब नहीं होता कि आप इक्विवेलेंट जान गए सीख गए, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ
राजेश मौर्य आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ इसका, है ना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मिटाता हूं तब ऊपर वाला और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए ये देखिए रिजल्ट ये आया फाइनली, क्यू कैंसिल हो गया और रिजल्ट आया 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3 और जरूरत पड़ता तो और भी रहता, एंड दिस इज प्रूफ। ये प्रूफ है, सभी लोग लिख लीजिए। तो हमें लगता होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। सर इस फील्ड इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर आदित्य? नहीं, सब वो फॉर्मूला लगाएंगे, याद है मैं कहा था ना, अब याद करो जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पूरा सब कुछ बताया था तो कहा था कि फॉर्मूला याद रखिएगा। बता यहां पे कितना कितना फील्ड होगा भाई, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यदि ए अलग अलग होगा, क्यू तो सेम है पर ए अलग अलग होगा एरिया, तो अलग अलग फील्ड हो जाएगा। बोलो, चाहे मान लो ए नहीं दिया है तो बताओ क्यू बाई सी करेंगे। चलो थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि फील्ड कहां ज्यादा कहां कम होगा। चलो इसके कारण हम लोग और जान लेते हैं, आदित्य राज के पूछने के कारण कुछ इनइक्वालिटी जान लेते हैं इसी बहाने से, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाता हूं तो कितना डिटेल में पढ़ाता हूं बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूं कई बार। तो चलिए फील्ड की इनइक्वालिटी जान लेते हैं, पोटेंशियल के चार्ज की इनइक्वालिटी तो ये है कि चार्ज इक्वल है ना, पोटेंशियल की इनइक्वालिटी जान लेते हैं ध्यान से। सभी लोग पोटेंशियल की इनइक्वालिटी जाने, फोकस, पोटेंशियल की इनइक्वालिटी सीरीज में, बड़ा पॉइंट, फोकस करो इनइक्वालिटी के बारे में, हाई लेवल डिस्कशन। सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम होता है तो जिसका कैपेसिटेंस कम होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। तो आप लोग लिख लीजिए, हाँ सक्षम हो रहे, फिर ए इज सेम देन फील्ड विल बी सेम, बिल्कुल सही है आपका। तो हाँ इनइक्वालिटी जान लो ध्यान से, सभी लोग इनइक्वालिटी सीखो। सीरीज में क्या चीज होता है, हम लोग अलग से नोट बना लो कहीं पे, डिब्बा बना के बंद कर लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिफरेंट। लिखो, इसको लिख लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में उल्टा होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज अलग अलग होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है प्लेट के अक्रॉस, जिसका सी कम होता है, क्यू बराबर सी भी अभी भी है, देखो जिसका सी कम होता है, इनमें से जिसका सी कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब साफ है यहां पे, फॉर दिस केस नोटिस करने वाला पॉइंट है, सी वन लेस देन सी टू इंप्लाइज दैट वी वन ग्रेटर देन वी टू, सी वन लेस देन सी टू इंप्लाइज दैट वी वन ग्रेटर देन वी टू, है ना, और चार्ज सेम है तभी तो कह पा रहे हैं हम लोग। अब मान लो फील्ड की बात करते हैं,
फील्ड की। तो एरिया का तो मैं बता ही दिया हूं आप लोगों को, है ना, एरिया तो बता ही दिया हूं कि एरिया से क्या होगा, इसका मतलब साफ है। यदि हम लोग इसी से एरिया की बात करें, यदि हम लोग इसी से एरिया की बात करें, ये तो याद करो, ई क्या होता है, ई क्या होता है बताओ, ई होता है वी बाई डी होता है, और वी क्या होता है तुम्हें पता है, क्यू बाई सी होता है ना, सी डी। भाई क्यू बाई सी वी होता है ना, नीचे सी डी हो गया। तो अभी हम लोग फील्ड के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, यदि डी डी कम ज्यादा होगा तो उसके अनुसार बता पाएंगे। यदि मान लो सब सबका सी सेम हो गया, सबका सी सेम हो गया, तो फिर हमें देखना पड़ेगा एरिया और डी और क्या कैसे हुआ, क्यों, ठीक है। तो हमें लगा कि जब भी हम लोग को जरूरत पड़े, याद करो, मैं कुछ नई चीज नहीं लिख रहा हूं, आपको याद करिए कि जब इस तरह की बात कहीं होगी तो हम लोग ये लिखेंगे, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो ई की जरूरत पड़ेगी तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, है ना। हम लोग ये सब चीजें भर के, ये सब चीजें लिख के समझने की कोशिश करेंगे तो कि हमारे पास अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है फॉर दिस सर्किट, हमारे पास क्या क्या है, क्लियर। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हमारे पास इंफॉर्मेशन सीरीज के नाम में बस इतना ही है कि क्यू सेम होता है, तो क्यू सेम करके हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, और उसी तरह से पैरेलल में हम लोग भी सेम करके सोचेंगे। तो आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग सोच पाते हैं, तो हम लोग सेम वाली चीजें रख के दूसरी चीज से पता पाते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। हम लोग सेम वाली चीजें रख के दूसरे से बता पाते हैं कि कम होगा कि ज्यादा होगा। तो यहां पे भी क्यू के टर्म में, और जब पैरेलल में देखेंगे तो वी के टर्म में देखेंगे, वी के फॉर्म में लिख के, फिलहाल क्यू के फॉर्म में है, है ना। ओके, तो ये फार्मूला है आप लोगों के सामने, और हम लोगों का अब अगला, इसमें नोट कर लिए होंगे आप लोग कि सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं, सब कैपेसिटर पे सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है चीजें डिटेल जानना। यदि आप मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं तो हमको नहीं लगता कि टीचर्स ऐसे बताते हैं, कहीं पे बताए भी होंगे तो जितना मैं अल्फा एक्सेलरेशन काइनेटिक एनर्जी पावर पोटेंशियल डिफरेंस सी वी एरिया डी जितना मैं डिटेल में बताता हूं, और सब पे क्वेश्चन जरूर बनते होंगे, तो इससे हम लोग यदि आप ध्यान देंगे फोकस करेंगे मेरी बातों पे तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन के नाम पे जानते हो क्वेश्चन क्यों क्या होते हैं, जब पैटर्न से हट के कोई चीजें होती हैं जिनको आप नहीं बनाए रहते हैं, रहती वह फार्मूला वही रहता है लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, उसे यूज नहीं कर पाते हैं फार्मूले को, तो उसे कठिन क्वेश्चन कहते हैं, मेरा ये मानना है। अब आप देखिएगा, तो ये मैं इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि जब कहीं पे किसी क्वेश्चन में आप फेस करें तो आपको आप कूल रहे कि चलिए इसमें चार्ज छोड़ा है और एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो सर बताए थे इक्वेशन लिख के ई निकालना है,
क्यूई करके फोर्स निकालना है, मास का डिवाइड करेंगे, एनएलएम लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और बाकी टाइम भी आएगा, स्पीड भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। अब ये प्रैक्टिस तो रहता नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत होता होगा, उनको लगता होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट में, चाहे ऐसा एग्जाम में आ गया जो हम लोग नहीं किए थे। लेकिन मेरे क्लास में आपको ये रहेगा कि दुनिया कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता डिस्कशन में, बाकी आपका अपना सेंस डेवलप करना है, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन करना है, ब्रेन को ट्रेन करना है, ये बहुत जरूरी है। केरला एलेवन एस्पायर पे नहीं खुल रहा यार, तो पढ़ लो इसी पर यार, तुम इतना परेशान कर दिए भोला यादव और पता नहीं क्या क्या। एनीवे, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए देखते हैं, ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये रहा कनेक्शन, ये रहा कनेक्शन, है ना। फिर से मैं वही बात करूंगा, कनेक्शन में रहा C1 C2 C3, है ना, और ये रहा वही वाली बात है। फिर से नई थ्योरी नहीं आ सकती, ध्यान रखना, नई थ्योरी नहीं। कहा जा रहा है कि इसके क्रॉस बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बैटरी जोड़ेंगे तब थोड़ी कैपेसिटेंस आएगा, है कैपेसिटेंस। हाँ, अभी फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं चाहे कहीं और, मान लो सीरीज है कहीं भी, ना ही पैरेलल सर्किट में, तब भी वही तरीका लगाएंगे जो पिछली बार सीरीज में लगाए थे, अभी पैरेलल में लगाने जा रहे हैं, और जब इनमें से कोई भी नहीं होगा तब भी वही लगाएंगे जो करने जा रहे हैं। तो क्या करने जा रहे हैं, कैसे आएगा इक्विवेलेंट, देखिए ये रहा बैटरी, जोड़ना पड़ेगा। जब ये ए और बी के क्रॉस पूछा गया था सी इक्विवेलेंट, तो बैटरी नहीं दिया गया था, पूछा गया था तो मैं अपने से जोड़ा हूं सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्योंकि दिस इज वे, फार्मूला आ जाता है तब तो वे की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब अभी फार्मूला नहीं आया तो डेरिवेशन यही है। और खासकर फिर से यदि सर्किट ऐसा है जिसमें न सीरीज है, न पैरेलल है, तो फार्मूला गया तेल लेने, गया भाड़ में, तब क्या करोगे, तब यही फंडामेंटल है जो कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़े क्वेश्चन, जितना भी दुनिया के बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं कैपेसिटर्स के सर्किट का, उसका मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। ओके, हाँ, आपको याद है हमें वी मानना पड़ता है, और आपको यह भी पता है कि हमें क्यू भी मानना पड़ता है, और हम लोगों को फोकस करना होता है किसी तरीके से। सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है बैटरी से जो गया है चार्ज, क्यू और ये हो, क्यू बाई वी, ये हो, अच्छा। तो मैनेजमेंट को भोला इंडक्टिव इफेक्ट का यदि लेक्चर नहीं है तो आप उसको वहां पे बोलो ना, मैनेजमेंट में बोलो, क्लास में मत बोलो ना, क्लास में नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये जो चीजें आपको सामने दिख रही हैं। अब ये देखो चार्ज ये गया, बैटरी ने यहां से चार्ज उठाया और यहां पे भेज दिया। ठीक है, ये जो चार्ज गया है जरा देखो कहां, पिछले वाले में तो एक ही प्लेट पे जाके इकट्ठा हो गया था, यहां देखो सोर्स, ये चार्ज कुछ यहां गया होगा, मतलब Q1 प्लस माइनस, कुछ चार्ज यहां गया होगा Q2 प्लस माइनस, और कुछ चार्ज यहां पे गया होगा Q3 प्लस माइनस, प्लस चार्ज यहीं पे जाके इकट्ठा हुआ होगा, इंडक्शन से इतना ही माइनस आया होगा और उतना ही इंडक्शन से यहाँ पे माइनस आया होगा, और याद करो चार्ज यहीं से उठा के बैटरी भेजा है, न चार्ज क्रिएट किया है न चार्ज डिस्ट्रॉय किया है ना।
अच्छा अगला पॉइंट जरा देखो, मेरा टारगेट तो यही है कि मैं इस तरह निकालूंगा, सी इक्विवेलेंट कहूंगा। ओके अच्छा अगला पॉइंट, विदाउट वॉयलेटिंग लॉ ऑफ जनरलिटी, बिना जनरल लॉ को वॉयलेट किए, क्योंकि फेनोमेना के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरत होता है, मैं निगेटिव को जीरो पोटेंशियल पे और इसको वी पे मान सकता हूं। याद करो अभी मैं आज ही पढ़ाया हूं जीरो। सो इफ दिस इज एट जीरो 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 एंड जीरो 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 जीरो, जितने भी कंडक्टिंग चीजें कनेक्टेड होती हैं वो सब सेम पोटेंशियल पे होती हैं। मस्ट है इफ दिस इज वी 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 वी, दिस इज वी एंड वी एंड वी एंड वी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना है, सबको समझना है सबको। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। सो नोट में क्या लिख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और एक और चीज बता दूं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम वाला, क्योंकि इंडक्टर में भी जरूरत होता है, रेजिस्टेंस में भी जरूरत होता है, और करंट में और कैपेसिटर में भी, क्योंकि भाई उसमें रेजिस्टर होता है, उसमें इंडक्टर होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, ये तो नाम अलग है, इसमें चार्ज होता है, उसमें करंट होता है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में होता है। तो जो पैरेलल में सेम होता है, पैरेलल में वो सब जगह होता है। ये देखिए भले ही फार्मूला उलट जाए करंट के लिए, रजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम वाला ही होता है इधर, क्योंकि कनेक्टेड वायर होते हैं ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ओके अब याद करो फिर से फंडामेंटल इक्वेशन, नया चीज तो है नहीं, लिखता हूं ये देखिए। अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यदि ये चार्ज गया है और इकट्ठा हुआ है तो सीधा से खटाक से लिखना होगा ये क्यू कहां कहां इकट्ठा हुआ है। देख लो ये जो क्यू गया था, बैटरी ट्रांसफर किया था, इस जगह से उठा के भेजा था बैटरी टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पूरा जाके चार्ज यहीं पे तो तीन प्लेट पे इकट्ठा हुआ है, नया तो इकट्ठा हुआ नहीं है। अच्छा वो फंडामेंटल इक्वेशन जरा देख लो भाई, फंडामेंटल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस देखो वी है, देख लो फोकस करो वी है, ये देखो वी है, ये देखो वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, सी मालूम है, क्यू वन मालूम है, तो क्या ये लिखना गलत है, गुनाह है, क्यू बराबर सी वन भी, क्यू बराबर सी टू भी, और क्यू बराबर सी थ्री भी, गुना है ये, सही है ये, दिस फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, 99% फॉर्मूला यही यूज हो रहा होगा, देख रहे होंगे। तो एक काम करते हैं इसको उठा के रख लेते हैं, यहां से क्या रखें बताओ, क्यू बराबर क्या रखें, यहां से याद है ना कि ये वाला हम लोग यहां से रखते हैं, यहां से क्या रखें बताओ, C इक्विवेलेंट V, ये है C1 V, ये है C2 V और ये है C3 V, बताओ V कैंसिल, V कॉमन, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और जरूरत पड़ता तो और भी, दिस इज प्रूफ ऑफ पैरेलल। ये पैरेलल का प्रूफ है, ये पैरेलल का प्रूफ है।
और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। तुम लोग इसको केवल फार्मूला की तरह ट्रीट मत करना, अभी भी वैसे ही सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अभी मैं पूछ सकता हूं, मैं पूछ लेता हूं, यदि प्रोटॉन को यहां पे छोड़ा जाए, तीनों कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर प्रोटॉन को छोड़ा जाए, सेम मैग्नीट्यूड और चार्ज है, मास सेम, तो जब इससे लड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे C1 में ज्यादा होगा कि C2 में ज्यादा होगा कि C3 में ज्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी जब जाके स्ट्राइक करेगा, आंसर है, नया क्वेश्चन मान लो, नया क्वेश्चन वो थोड़ी होता है कि किताबों में दिया होता है जो तुम नहीं बना पाते हो और एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन दिया होता है, नया क्वेश्चन मेरा नहीं होता है। यदि यहां पे चार्ज में प्रोटॉन छोड़ दूं और जाके टकराए तो बताना है किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका C1 ज्यादा होगा, C2 ज्यादा होगा, C3 ज्यादा होगा? आंसर सबका सेम होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वी सेम है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लो, कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। क्या जिसका सी ज्यादा होगा कि जिसका सी कम होगा? अरे सी पे डिपेंड ही नहीं करता, सी कम ज्यादा जो भी हो अकॉर्डिंगली चीजें अपनी डी डिस्टेंस वेरी करेंगी, चार्ज वेरी करेगा और जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज सेम, सो काइनेटिक एनर्जी गेन इज सेम। क्या ये क्या लग रहा है? खराब क्वेश्चन था ये जो मैं पूछा हूं। काइनेटिक एनर्जी जब स्ट्राइक करेगा निगेटिव प्लेट को तो हमें ये सोचना पड़ेगा, केवल फार्मूला ये जान गए, ये कैपेसिटर चैप्टर केवल नहीं है, जिसको तुम लोग कहते हो कि जल्दी मेरा खत्म नहीं होता, कहते हो ना। किसमें एनर्जी, अभी भी सारा फार्मूला ऐसे लगेगा, किसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा है, इन कैपेसिटर्स में किसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो मैं सीरीज में भूल भी गया बताना, किसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा है तो कांस्टेंट वाला यूज करो, 1/2 CV² यूज करो ताकि वी सेम रहे। तो सी ज्यादा होगा तो एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? 1/2 CV² ताकि ये एक क्वांटिटी फॉर्मूले में एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहे तो दूसरी डिसाइड कर दे। तो जिसका सी ज्यादा होगा उसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा होगा, क्योंकि वी तो तीनों के लिए सेम है। लेकिन यदि सीरीज में करते, सीरीज में फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल एनर्जी को इससे देखना, 1/2 CV² से मत देखना, क्योंकि वहां पे C भी बदल रहा है, V भी बदल रहा है। सीरीज में 1/2 Q² / C से देखना, और सीरीज में उसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा होता है जिसका C कम होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ज्यादा होता है जिसका C कम होता है। तो पैरेलल में उसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा होता है जिसका सी ज्यादा होता है, और सीरीज में उसमें एनर्जी स्टोर ज्यादा होता है जिसका सी कम होता है। यदि 1/2 CV² आपके खोपड़े में बैठा रहेगा ना, तो सी देख के बताओगे गलत हो जाएगा, भूल जाओगे कि वी सेम नहीं है। तो सोचो कि कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनाने की, पूछने की तरीका देखो, कितना क्या 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 नहीं पूछा जा सकता। तो इसको एंजॉय करना है, ये समझना है ना। तो केवल मैं फार्मूला डिराइव नहीं किया, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि इसमें नोट्स भी लिख लीजिएगा कि इन दिस केस पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम बट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज डिफरेंट। तो भले ही सबसे ज्यादा पॉपुलर 1/2 CV² है, लेकिन हम लोगों को, अच्छा हाँ, इससे ये सीखना है
इसे क्या सीखने को मिला? ऐसा फार्मूला अरेंज करके, सब्स्टिट्यूट करके, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे करंट हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे स्प्रिंग हो, मैकेनिक्स हो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला भी ऐसे ही आता है, चाहे ईएमआई हो, चाहे चाहे केमिस्ट्री हो, हमें हम इनइक्वालिटी तभी बता पाएंगे कम ज्यादा जब हम सब्स्टिट्यूट करके हम ऐसा फॉर्म लिखेंगे जिसमें अलग अलग एक हो, दूसरा जो हो कांस्टेंट हो। क्या ये जो मैं आपको समझा रहा हूं क्या इस चैप्टर का है? ये नहीं, हमें उस फॉर्म में लिखना होगा, चाहे मैकेनिक्स ही क्यों ना हो, हमें उस फॉर्म में लिखना होगा जिसमें वेरिएबल एक हो, मतलब बदलाव एक में हो, दूसरा वाला सबके लिए सेम हो, तभी ना बताओगे। सी भी बदलेगा, वी भी बदलेगा, तो कैसे बता दोगे क्या होगा? तो ये बात ये नहीं है। देखिए मैं सीरीज में उस टर्म में लिखा जिसमें क्यू सेम था, सी डिसाइड करे, और जब पैरेलल था तो मैं उस टर्म में लिखा था जिसमें वी सेम था, सी डिसाइड करे। पता चला कि इसमें 1/2 सी वी स्क्वायर सोच रहे हैं, और सी से कह दिए सी ज्यादा यू ज्यादा, 1/2 सी वी स्क्वायर में तो यही लगेगा, लेकिन क्या गलती कर गए 1/2 सी वी स्क्वायर में? वी सेम मान लिए तीनों के लिए, जो कि गलत था। एनर्जी सेम कहां बोला था यार? सर एनर्जी कैसे सेम होगा वो वाला समझ नहीं आया। हाँ ये सुचिस्मिता नाहक, देखो मैं ये बोला था, मैं ये कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चलो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्यू इंटू वी ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू इंटू वी। सुचिस्मिता पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू इंटू वी, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज डेल्टा होता है क्यू डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि मैं क्यू को यहां पे छोड़ूंगा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगा, जो कम होगा, वही काइनेटिक में कन्वर्ट होगा एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये यहां से चार्ज यहां जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम कन्वर्ट होगा क्योंकि हर जगह वी सेम है ना। सुचिस्मिता समझ में आया आपको? आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू, आगे क्लास ओवर करूं बताइए। संदीप कुमार कल मंडे को हो रहा है यार, कितनी बार बताऊं, और मैं कहा था कि इस पे मत पूछा करो यार, मैनेजमेंट से पूछो फोन करके L1 कोचिंग में। सुचिस्मिता आप लोगों से, आपको समझ में आया? ओके तो यही रीजन है पोटेंशियल एनर्जी सेम कम होगा, सेम कम होगा और सेम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। चलिए हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज इन क्लास में, और आप लोगों को लगा होगा कि केवल फार्मूला नहीं होता, पैरेलल सीरीज में बहुत कुछ होता है, पूछा जा सकता है, ताकि आप इस चैप्टर में आप स्ट्रांग फील कर सके। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, ओके हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।